Hello friends, welcome all of you on Quality In fact. Friends, in this video, I am going to explain JNU PhD and Trans paper, which was held on 28th May 2019. So, friends, as you know, you don't have any language option in this paper. Understanding and knowledge of English is compulsory. So, English is not compulsory in my video. I'm going to discuss this question in both Hindi as well as English. सो so, आपको समझाने के लिए बीच बीच में मैं हिंदी का भी इसमें यूज करूंगा सो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो विच फिलोसोफर कैस्टिगेटेड द एनलाइटमेंट फॉर क्रिएटिंग प्रिजुडाइसिस प्रिजुडाइस अगेंस्ट प्रिजुडाइस सो फ्रेंड्स ये जो फ्रेज है प्रिजुडाइस अगेंस्ट प्रिजुडाइस ये हैंस जॉर्ज गैडमर ने यूज की थी एनलाइटमेंट को समझाने के लिए तो करेक्ट आंसर इज डी फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन पेपर था इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें से पंद्रह क्वेश्चन ऐसे थे जिनके लिए चार मार्क्स अलॉट किए गए थे हर क्वेश्चन के लिए चार तो पंद्रह चौके साठ मार्क्स के वो थे और ट्वेंटी क्वेश्चन ऐसे थे जिनके लिए दो मार्क्स दिए गए हैं ओके okay? तो टोटल आपका ये हंड्रेड मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था तो ये जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने ही, ये कॉम्प्रीहेंशन टाइप में है सबसे पहले आपको ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़नी पड़ेगी उसके बाद आपको आंसर देना है तो ये पहला क्वेश्चन है जो चार मार्क्स का आया था सो वेन ही रिजेक्ट द साइकोलॉजी ऑफ नॉलेज साइकोलॉजी ऑफ नॉलेज सर का सर कंसर्न इज़ ओनली टू डिनाई द मैथडोलॉजिकल रेलिवेंस ऑफ इंडिविजुअल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और ऑफ एन इंडिविजुअल सेंस ऑफ सर्टिनिटी इन दो लाइनों में ही क्लियर हो जाता है कि किसके बारे में ये बात की जा रही है और किस थ्योरी की ये बात की जा रही है सर काल का मतलब यहाँ पे काल पोपर की थ्योरी ऑफ पॉलिसिफिकेशन की कहीं ना कहीं बात हुई है लेकिन यहाँ पे मैथोडोलॉजिकल रेलिवेंस की बात की गई है ठीक है आगे पढ़ते हैं विद दैट मच आई कैन नो डिस विद दैट मच आई कैन नो डिस जितना डिसग्री काल पोपर थे मैं उतना डिसग्री नहीं हूँ तो आप समझ सकते हो कि ये काल पोपर नहीं बोल रहे कोई और है कोई ऑथर है जिन्होंने काल पोपर के बारे में यहाँ लिखा है इट इज हाउ एवर अ लॉन्ग स्टेप फ्रॉम द रिजेक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल आइडियो आइडियोसिंक्रेंसीज ऑफ एन इंडिविजुअल टू द रिजेक्शन ऑफ द कॉमन एलिमेंट इंड्यूस्ड बाय नेचर एंड ट्रेनिंग इन द साइकोलॉजिकल मेकअप ऑफ द लाइसेंस्ड मेंशिप ऑफ अ साइंटिफिक ग्रुप अब इसमें आप पूरा का पूरा समझ रहे हो ना तो यहाँ पे पूरी तरीके से फॉल्सिफ़िकेशन की बात की गई है यहाँ पे मैथडोलॉजिकल रेलिवेंस की भी बात की जा रही है यहाँ पे एग्री या डिसएग्री होने की बात भी की जा रही है और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चीज़ की बात की जा रही है थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन तो एक छोटी सी चीज़ है ठीक है तो ये आपने पैराडाइम सुना होगा एक पैराडाइम के बारे में आपने सुना होगा पैराडाइम क्या होता है पैराडाइम होता है एक जैसे आप कंप्यूटर का एक मदर बोर्ड होता है ना कंप्यूटर का एक मदर बोर्ड होता है जिसके ऊपर सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं उसके ऊपर माइक्रो प्रोसेसर रैम रोम पावर सप्लाई हर चीज़ उसके ऊपर लगा होता है मदर बोर्ड कंप्यूटर का मदर बोर्ड होता है वैसे ही एक पैराडाइम होता है किसी जो एक स्कूल होता है सोशल साइंस का स्कूल होता है उसमें एक पैराडाइम होता है जिसके ऊपर थ्योरीज उभरती है और उनका विघटन होता है ये पैराडाइम एक बड़ी चीज़ है तो ये एक पैराडाइम की बात हो रही है यहाँ पे किसी थ्योरी ऑफ फॉल्सिफ़िकेशन की डायरेक्ट रूप से बात नहीं हो रही है थ्योरी ऑफ फॉल्सिफ़िकेशन पैराडाइम के अंदर पड़ती है तो ये काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा गया था और जो मैं आपको बता दूँ जे का जो लेबल है पी एच का एन टी एन टी ए नेट जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का है उससे कहीं ज्यादा ऊपर का है इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैक्सिमम रिसर्च टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर है अ पैराडाइम पैराडाइम इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन टू सेम है इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं वेन ही रिजेक्ट द साइकोलॉजिकल नॉलेज अगर आपने एक बार में ही अच्छे से समझ लिया है लेकिन आपको जरूरत नहीं आप वहाँ पे बार बार पढ़ सकते हैं क्योंकि 35 क्वेश्चन थे आपको तीन घंटे में करने थे बहुत ज्यादा टाइम वहाँ पे आपके पास था द आई हु इज डिस इन द एक्सर सॉरी एक्स एक्सेप्ट इज अ रेफरेंस टू विस थिंकर अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात आपके लिए हो जाती है अगर आपने रिसर्च की बुक्स पढ़ी है सोशल साइंस की रिसर्च की बुक अगर आपने पढ़ी है तब तो आप आंसर दे पाओगे अगर आपने रिसर्च की बुक पढ़ी ही नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए ठीक है तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था विद दैट मच आई कैन नॉट डिसअग्री ठीक है आई कैन नॉट डिसअग्री तो ये बंदा कौन है ये थिंकर कौन है जो इतना ज़्यादा डिसग्री नहीं है तो दोस्तों ये जो थिंकर है ये थॉमस कुन है और थॉमस कुन की बुक से ये लिया गया है पूरा का पूरा जो ये पैराग्राफ है थॉमस कुन की एक बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन ये थॉमस कुन ने लिखी और वहीं से ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिया है और अगर आप सोशल साइंस में रिसर्च कर रहे हो आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी ही पड़ेगी ठीक है रिसर्च के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और हर जगह ये आपको पढ़नी ही पड़ेगी बुक विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द राइट टू सेल्फ ऑनरशिप अब यहां पे आप देख रहे हो सेल्फ ऑनरशिप सेल्फ ऑनरशिप का सिद्धांत किसने दिया है सेल्फ ऑनरशिप का सिद्धांत दिया है नियोलिबरलिस्ट ने नियोलिबरलिस्ट जो थिंकर है आपके रॉबर्ट नोजिक है उन्होंने मेनली ये सेल्फ ऑनरशिप का सिद्धांत दिया है कि हर व्यक्ति को खुला छोड़ दो स्वच्छंदता भी बोलते हैं पूरी तरीके से खुला छोड़ दो वो अपने मन मस्तिष्क का स्वामी हो जो करना चाहे करने दो वो अपने आप को बेचना चाहे बेचने दो तो ये सेल्फ ऑनरशिप का जो सिद्धांत है उसके बारे में क्या सही है वो आपको यहाँ पे बताना था ऑनरशिप ऑफ वंस ऑन पर्सन यानी एक जो व्यक्ति है उसकी अपने ऊपर ऑनरशिप होनी चाहिए वो हो, बेचे अपने आप को अपने साथ जो मर्जी करे क्योंकि वो अपना स्वामी खुद है बिल्कुल सही है इट इज राइट बेस्ड बिल्कुल ये अधिकारों पर आधारित तो right है ना कि कर्तव्यों के ऊपर आधारित तो राइट बेस्ड है एकदम करेक्ट है एसोसिएट विद राइट लिबरटेरियनिज्म तो राइट right लिबरटेरियनिज्म के साथ ये एसोसिएट है राइट right लिबरटेरियनिज्म तो libertarianism, पहले ही बता चुका स्वच्छंदतावादी या न्यू लिबरलिस्ट एसोसिएट विद लेफ्ट लिब्रटेरियनिज्म तो बिल्कुल ये जो लिबरेटेरियनिज्म है ये भले ही लेफ्ट हो या राइट हो दोनों ने बात की है कि सेल्फ ओनरशिप होनी चाहिए तो इसका करेक्ट आंसर है फोर डी करेक्ट आंसर है एक दो तीन चार चारों सही है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी ट्रू ऑफ टर्किश सेक्युलरिज्म बट नॉट ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म यानी भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है वो तुर्की की धर्मनिरपेक्षता से किस प्रकार भिन्न है तो तो फर्स्ट देखिए प्रॉक्सिमिटी टू फ्रेंच फ्रेंच लेसाइट तो फ्रेंच लेसाइट से इंडिया ने क्या लेना देना है कोई भी इंडिया का कंसर्न नहीं है तो बिल्कुल एक के मामले में बिल्कुल डिफरेंट है दूसरा देख लेते हैं डिस्करेजमेंट ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशन इन पब्लिक डोमेन तो इंडिया में देखो तो इंडिया में किसी भी प्रकार का डिस्करेजमेंट इंडिया नहीं करता है आप जो मर्जी मनाना चाहो आप हिंदू धर्म को मनाओ आप मुस्लिम को मनाओ आपकी मर्जी है लेकिन टर्की में क्या होता है कि वहाँ पे मुस्लिम धर्म को ही मान्यता है और मुस्लिम धर्म के ऊपर वहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है तो मतलब दिस करेजमेंट वहाँ पे नहीं आ, है यहाँ पे नहीं है एलिमेंट ऑफ अथॉरिटेरियनिज़्म तो धर्म निरपेक्षता में अथॉरिटेरियनिज्म का तो यहाँ पे नाम ही नहीं है आप धर्म के नाम पे कभी भी आ, आपका राज्य अथॉरिटी आपके ऊपर नहीं थोप सकता एक्टिव रोल ऑफ मिलिट्री इनफॉर्मे इनफोर्समेंट तो मिलिट्री का क्या काम है इंडिया में तो कोई काम ही नहीं है आप uh, की धर्म आपके ऊपर थोपा जाए एनफोर्स किया जाए ऐसा नहीं है तो एक दो तीन चार डी इसका करेक्ट आंसर है चारों के चारों इंडिया के सेकुलरिज्म से नहीं मिलते हैं सो so, ये छठा आपका फिर से कॉम्प्रिहेंशन आ गया है तो इसको पढ़ लेते हैं एक्सेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूमेंट सच एज वॉर यानि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूमेंट को छोड़कर जैसा कि युद्ध में होता है द नेशन प्रूव टू वास्ट अस्केल अक्रॉस विच टू कल्टिवेट द शेयर्ड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी टू कम्युनिटी इन द फॉर्मेटिव और कॉन्स्टिटिव सेंस एंड सो द ग्रेजुअल शिफ्ट इन आवर प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम अ पब्लिक फिलोसोफी ऑफ कॉमन पर्पज इज टू वन ऑफ फेयर प्रोसीजर्स डैश फ्राम द नेशनल रिपब्लिक टू द प्रोसीजरल रिपब्लिक तो फ्रेंड्स इसके अंदर बहुत ही डीप एक मैसेज है आपको इसको पहले समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं तो सबसे पहले तो बोल रहे हैं कि जो वॉर को छे वॉर को छोड़ के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट होते हैं जिसे वॉर कहा गया है उसको छोड़ के जितने भी क्षेत्रों में राज्य काम करता है वो क्या है कम्युनिटी के लिए काम करता है कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए काम करता है फॉर्मेटिव काम करता है उनके लिए विकासात्मक काम करता है कॉन्स्टिट्यूटिव काम करता है लेकिन अभी क्या देखा गया है ग्रेजुअल शिफ्ट देखा गया है ग्रेजुअल शिफ्ट यानी शिफ्ट एक तरीके से एक चेंज आया है सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन जो आपका प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशन फ्रॉम पब्लिक फिलोसोफी ऑफ कॉमन परपज़ टू प्रोसीजर तो आज जो शिफ्ट देखा गया है वो देखा गया है फ्रॉम पॉलिटिक्स ऑफ गुड टू अफ राइट आपको बहुत डीप नॉलेज इसकी होनी चाहिए जो आपका यूनानी जो पीरियड था आप ग्रीक जो आपके थिंकर आप लैटो को पढ़ते हैं वो गुड की बात करते हैं कॉमन गुड की बात करते हैं ठीक है थीके? वो सत्य की बात करते हैं अच्छाई की बात करते हैं लेकिन आज की जो पॉलिटिक्स हमारी है वो गुड की बात नहीं कर रही है वो बात कर रही है राइट्स कि ये हमारे राइट्स है वो हमारे राइट्स है ठीक है तो ये कहाँ गया है हमारा आज का जो सिद्धांत है ये गुड से राइट right की ओर जा रहा है तो इसका करेक्ट आंसर है बी दो क्वेश्चन नंबर सेवन इंडक्शन फॉर एग्जाम्पल इंफेरेंस बेस्ड ऑन मैनी ऑब्जर्वेशन इज अब इंडक्टिव जो थ्योरी है इंडक्टिव जो थ्योरी जो कि रीजनिंग uh, की थ्योरी है जिसे यूज किया था एरिस्टोटल ने ठीक है जो इसके द्वारा इन्फेरेंस निकाले जाते हैं जो प्रतिमान इसके द्वारा निकाले जाते हैं जिसके द्वारा निष्कर्ष इसके द्वारा जो निकाले जाते हैं वो ऑब्जर्वेशन के आधार पे होते हैं लेकिन वो एक मिथ माना गया है वो वो सही नहीं है कि आपने क्या किया इंडक्शन थ्योरी यूज की और आपने पत्थर फेंका बार 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 आप पत्थर फेंक रहे हैं और वो क्या है आ, नीचे की ओर गिर रहा है ठीक है लेकिन इसमें माना गया है कि यह मिथ है ये भी मिथ है कि आप बार बार ऑब्जर्वेशन जो कर रहे हो इंडक्शन थ्योरी के द्वारा वो मिथ है इट इज ना इधर अ साइकोलॉजिकल फैक्ट नॉर अ फैक्ट ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ नॉर वन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर द एक्चुअल प्रोसीजर ऑफ साइंस इज टू ऑपरेट विद कंजक्चर्स टू जम्प टू कंक्लूजन ऑफन आफ्टर वन सिंगल ऑब्जर्वेशन रिपीटेड ऑब्जरवेशन आर एक्सपेरिमेंट फंक्शन इन साइंस एट टेस्ट ऑफ आवर कंजक्चर ऑफ हाइफोथीसिस आई ई अटेम्प ऑफ रिफ्यूटेशन अब ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसको मैंने पहले ही आपको काल पोपर की वीडियो में बताया था अच्छे से कि यहाँ पर जो थ्यूरी हमारी बन रही है जो भी हम बोल रहे हैं कि साइंटिफिकली प्रूवड है वो साइंटिफिकली प्रूव तब तक है जब तक उसके ओपोजिशन में कोई थ्योरी नहीं आई जैसे पहले क्या थ्योरी थी पहले थ्योरी थी कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज घूम रहा है अब ऑपोजिट हो गया ना अब पृथ्वी घूम रही है सूरज स्थिर हो गया है तो ये थ्योरी है थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन की इसके अंदर बात की गई है कि कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं है ये एक मिथ है तो इसका करेक्ट आंसर है डी द फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी सेड टू बी ट्रू अबाउट पब्लिक गुड जो पब्लिक गुड है उसके बारे में कौन सी बात यहाँ पर सही है वो आपको बतानी है सो दे आर नॉन रिवेलरस सजेस्टिंग दैट एक्सेस टू देम इज़ रेडिली अवेलेबल टू ऑल बिल्कुल सही जो पब्लिक गुड होती है वो यूनिवर्सल होती है और सभी व्यक्तियों के लिए वो अवेलेबल रहती है देयर प्रोविजनिंग इन वाल डेलीवरेट पब्लिक पॉलिसी मेजोर तो बिल्कुल सही बात है पब्लिक पॉलिसी मेजर्स भी उसमें यूज किए जाते हैं दे आर सब्जेक्ट टू द सेम मार्केट कंडीशन एज प्राइवेट गुड नो अब देखो कितना मतलब बहुत ही सिंपल सा है दे आर सब्जेक्ट टू सेम मार्केट कंडीशन एज प्राइवेट गुड अब आपका जो अपना घर है आपका जो अपना घर है और एक म्यूनिशिपैलिटी का जो घर है क्या उनकी वैल्यू सेम है क्या आप समझोगे उनकी वैल्यू सेम है कि आप अपने घर को ज्यादा तवज्जो देंगे या फिर आप म्यूनिसिपैलिटी के लिए ज्यादा तवज्जो देंगे तो मार्केट कंडीशन इनके लिए क्या है अलग अलग होगी तो तीन तो बिल्कुल गलत है पब्लिक गुड के बारे में दे फ्रिक्वेंटली गिव राइस टू फ्री राइडर प्रॉब्लम बिल्कुल सही है फ्री राइडर जो प्रॉब्लम है यानी जो फ्री में चीजों को यूज करना चाहते हैं तो यूनिवर्सल चीजें जितनी भी होती है पब्लिक गुड जितनी भी होती है सब लोग ना उसको फ्री में यूज करना चाहते हैं उनके काम की है चाहे ना है अगर फ्री की चीज है तो सब उसको यूज करना चाहते हैं तो फ्री राइडर प्रॉब्लम इससे जरूर उत्पन्न होगी तो इसका करेक्ट आंसर है का पूरा आपका वाल मार्क्स रेफरिंग टू In, to, uh, in the following extract. First, the fact that labor is external to the worker. For example, it does not belong to his instinct nature that in his work, therefore, he does not affirm himself but denies himself, does not feel content but unhappy, does not develop feel freely his physical and mental energy but mortifies his body and ruin his mind the worker therefore only feels himself outside his work and in his work feel outside himself he feels at home when he is, is uh, not working and when he is working he does not feel at home his labor is therefore not voluntarily but coerced इट इज फर्स्ट लेव ये इको जो आपका इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैनोस्क्रिप्ट थी 1840 की उसके अंदर से ये इन्होंने लिया गया है तो ये क्या बात कर रहा है एलिनेशन के बारे में आपने सुना होगा अलगाववाद एक तो व्यक्ति का खुद से अलगाव हो जाता है काल मार्क्स बोलते हैं कि व्यक्ति का खुद से ही अलगाव हो जाता है फॉर एग्जाम्पल एक प्रेमी है ठीक है वो प्रेम करता है अपने विलव्ड से लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी परिस्थिति आती है कि उसी से उसका अलगाव हो जाता है और उसे लगने लगता है कि कुछ भी नहीं है तो ये अपने आप से मतलब अपने पार्टनर से अलगाव है और एक व्यक्ति है कि पहले वो सोचता है कि मुझे ना एक बहुत बड़ा अफसर बनना है बहुत बड़ा अफसर बनना है लेकिन धीरे धीरे दे उसे लगने लगता है कुछ नहीं रखा है अफसर मुझे नहीं बनना कुछ नहीं तो ये अपने आप से उसका अलगाव हो रहा है वैसे ही लेबर से अलगाव होता है वैसे ही प्रोडक्शन से अलगाव होता है तो ये किस टाइप का अलगाव है बहुत ही डीप क्वेश्चन है अगर आपने इसको पढ़ा होगा पहले मार्क्स के एलिनेशन को तो आप इजीली इसको कर सकते थे ठीक है अलगाव तो ये आप तो वैसे भी इसको देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर एक्सटर्नल है और लेबर एक्सटर्नल होने के कारण क्या है जो व्यक्ति है व्यक्ति काम में मन नहीं लगा पाता है हालांकि वो काम पे होता है काम पे होता है लेकिन मशीनी रूप में काम पे होता है मशीन की तरह काम कर रहा है उसका दिमाग नहीं लग रहा है वहां पे उसका मन नहीं लग रहा है बस वो काम करे जा रहा है तो इसे क्या बोलेंगे तो फ्रेंड्स इसे बोलते हैं एलिनेशन फ्रॉम एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस यानी जो प्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है ना यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि वो काम तो कर रहा है पूरा काम कर रहा है अनहैप्पी है दिल से नहीं कर रहा है वो नहीं कर रहा है काम तो चल रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस तो हो रही है लेकिन उसका एलिनेशन हो गया है तो डी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर द टेनसेप्ट ऑफ फ्लेलिंग स्टेट रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन किस कंडीशन ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पे आया है इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन आर रॉबर्ट एंड फंक्शनल बट हैव नो कंट्रोल ओवर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एट द लोकल लेवल यानी आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन है आपकी जो सरकार है वो ठोस है कठोर है और उसके पास शक्ति भी बहुत सारी है फॉर एग्जाम्पल मोदी गवर्नमेंट लेकिन वो पॉलिसीज को ग्रास रूट लेवल पर लागू नहीं कर पाती है उसे बोला जाता है फ्लेलिंग स्टेट तो इसका करेक्ट आंसर है ए क्वेश्चन नंबर इलेवन हु इज एक्सपोनेंट ऑफ़ क्राइसिस टेडेंसीज इन कैपिटलिज्म इन ट्वेंटियथ सेंचुरी ट्वेंटियथ सेंचुरी में जो क्राइसिस की टेडेंसी है क्राइसिस की टेडेंसी है कैपिटलिज्म के अंदर यानी कैपिटलिज्म के अंदर ही क्राइसिस की वो आ, क्या बोलते हैं टेडेंसी है जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ रहा है पूंजी क्या है एक ही व्यक्ति के पास केंद्रित हो रही है और छोटे पूंजीपतियों को वो खाता जा रहा है कालमार्क्स भी ये बात करते थे लेकिन 20th सेंचुरी की यहां पे बात की गई है अगर यहां पे 19th सेंचुरी की बात की होती तो कार्ल मार्क्स थे लेकिन 20th सेंचुरी में इसी बात को दोहराया है जर्गन हेबरमास ने जर्गन हेबरमास तो ये थिंकर आपको सारे पढ़ने होंगे मार्कस हेबरमास तो इनके ऊपर मैंने नोट्स भी बनाए हैं हालांकि आप लोगों को शायद मैंने दे भी दिए होंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय टिमोथी ल्यूक एज द ट्रेट ऑफ़ न्यू सोशल ऑर्डर यानी न्यू सोशल ऑर्डर की विशेषताएं टिमोथी ल्यूक ने कौन सी नहीं बताई है अब टिमोथी ल्यूक को आपने नहीं सुना है लेकिन फिर भी कॉमन सेंस के आधार पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन नेट में भी ऐसे ही पूछे जाते हैं आपको अपनी कॉमन सेंस लगानी होती है तो कौन सा न्यू सोशल ऑर्डर का यहाँ पे कारक या फिर ट्रेट नहीं हो सकता है तो सबसे पहले देखो न्यू पॉलिटिकल ऑपोजिशन बिल्कुल सही न्यू ऑर्डर में यही तो हो रहा है न्यू पॉलिटिकल ओपोजि ऑपोजिशन हमारे सामने आ रहे हैं प्रोग्राम्स ऑफ पोस्ट मार्क्सिस्ट तो पोस्ट मार्क्सिस्ट भी न्यू आपके न्यू सोशल ऑर्डर में आ रहे हैं पोस्ट मार्क्सिस्ट कब से आते हैं नाइनटीन के बाद तो डेफिनेटली ये तो होगा ही पोस्ट प्लोरिटेरियन तो पोस्ट प्लोरिटेरियन भी आपका क्रिटिकल थ्योरी के बाद ही आता है तो ये तीनों है सेल्फ डिटर्मिनेशन अब देखो दोस्तों जो थ्योरी ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन किसने दी थी ये थ्योरी दी थी वुड्रो विल्सन ने जो चौदह सूत्रीय प्रोग्राम दिया था ना उन्नीस सेल्फ उन्नीसिनेशन की बात की थी यानी निर्णय का सिद्धांत यूएनओ ने भी इसको हालांकि बाद में लागू किया तो यूएनओ के संदर्भ में भी ये सही है लेकिन ये न्यू सोशल ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है तो उसका करेक्ट आंसर है फोर ठीक है सेल्फ डिटर्मिनेशन इसका नहीं है हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर टू बी द प्री ऑफ पॉजिटिविस्ट थॉट बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है पॉजिटिविस्ट जो थॉट है प्रत्यक्षवादी जो चिंतन है उसका जन्मदाता या फिर अग्रदूत किसे माना जाता है तो डेविड ह्यूम बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुका हूँ डेविड ह्यूम प्रत्यक्षवाद के आपके प्री माने जाते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है एम अब ये आपको मैच करने हैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था इस पेपर में बहुत ही आ, मतलब हिंदुत्वा इज नॉट अ वर्ड बट अ हिस्ट्री ये बात कौन करते हैं ये बात करते हैं वी डी सावरकर असेंशियल ऑफ हिंदु हिंदुत्वा उस बुक के अंदर इन्होंने ये बात की है कि ये हिस्ट्री है ये कोई एक वर्ड नहीं है हिंदू ठीक है पार्लियामेंट इज अ कोस्टली टॉय ऑफ द नेशन बात करते हैं महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी ने संसद को बांझ हो रत कहा था आपको याद होगा तो आप इसको ऑटोमेटिकली सही कर लेते द स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन इज अ रिलेटिव ऑफ यर डिपेंडिंग अपॉन अ हॉस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर तो ये बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की जो आपकी नेशन की स्ट्रेंथ है वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है आपको बाहरी रूप से भी सशक्त होना पड़ेगा व्यापार भी सशक्त करना पड़ेगा आपकी इंडस्ट्री भी करनी पड़ेगी और आंतरिक रूप से सामाजिक आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा नेशन को और लास्ट है कॉरपोरेटली यस कॉरपोरेटली ऑफ क्लोनियलिज्म इज थ्रू द क्लोनालाइज्ड सॉरी कॉलोनाइजेशन ऑफ बॉडी ये बात करते हैं डेविड आर्नोल्ड तो करेक्ट आंसर इज डी ऑपरेशनल डेफिनेशन रेफर्स टू बहुत ही सिंपल है मैंने आपको शायद ये जो रिसर्च की वीडियो कराई थी उसके अंदर क्लियरली आपको बताया था कि ऑपरेशन ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है और फंक्शनल डेफिनेशन क्या होती है तो ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब होता है एन एब्स्ट्रैक्ट एंड थियोटिकल डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट यानी जो आपका कॉन्सेप्ट होता है उसकी मूर्त जो आपका एक कॉन्सेप्ट होता है उसका मूर्त और सैद्धांतिक पक्ष को क्लियर करना जब भी आप रिसर्च करते हैं तो आप एक तो फंक्शनल जो आपकी डेफिनेशन होते हैं फंक्शनल डेफिनेशन को पहले आप क्लियर करते हैं उसके बाद ऑपरेशनल डेफिनेशन को क्लियर करते हैं तब जाके आपकी रिसर्च होती है तो बी इज करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन रीजनिंग फ्रॉम नाउन प्रिंसिपल टू एन अननाउन यानी जो जाना गया है उससे अनजान की ओर बढ़ना या फिर रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रेफर टू डिडक्टिव रीजनिंग तो ये तो आपके ऐसे फिंगर टिप्स पे आ गया होगा कि जनरल टू स्पेसिफिक कौन सी होती है और स्पेसिफिक टू जनरल कौन सी होती है तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्सटीन का बी क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्रिटिकल थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन बिलीव्स दैट स्टेट आर द की एक्टर्स इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट इज द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ स्टेट बिहेवियर सिक्योरिटी इज द मेन कंसर्न ऑफ द स्टेट इमेंसिपेशन इज द मेन एजेंडा ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल थ्योरी है क्या क्रिटिकल थ्यूरी को आपको समझना पड़ेगा मेनली आपको तीन स्कूल याद रखने पड़ेंगे सबसे पहला आपको लिबरलिज्म का स्कूल इंटरनेशनल रिलेशन का दूसरा रियलिज्म का और तीसरा क्रिटिकल थ्यूरी का क्योंकि ये ही आज के टाइम में मेन आपके स्कूल है तो सबसे पहले लिबरलिज्म को आप देख लो लिबरलिज्म क्या बोलता है? बोलता है है लिबरलिज्म विश्व व्यवस्था की बात करता है वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात करता है कि स्टेट का जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करेगा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड गवर्नमेंट अब रियलिज्म बोलता है स्टेट इज की एक्टर रियलिज्म क्या बोलता है कि स्टेट मुख्य करता है और स्टेट को सेल्फ सरवाइव करना पड़ेगा क्रिटिकल थ्योरी बोलती है कि इंडिविजुअल जो सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं वो मेन ड्राइविंग फोर्स होती है किसी भी स्टेट की ठीक है मेन ड्राइविंग फोर्स होती है तो इसका करेक्ट आंसर है बी अब सी देखो सिक्योरिटी इज द मेन कंसर्न ऑफ द स्टेट तो सिक्योरिटी मेन कंसर्न था स्ट्रक्चरल रियलिज्म का और इमेन्सिपेशन इज द मेन एजेंडा ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इमेंसिपेशन जो एजेंडा uh, है वो आपका फेमिनिज्म का एक मेन एजेंडा है नियो फेमिनिज्म इसे बोला जाता है ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज कंसर्न विद सो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन ये 1951 में हुआ था और ये फंडामेंटल राइट right से रिलेटेड था क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यूज़ जो नेशनल सैंपल सर्वे है एन जो है वो किस तरीके का सर्वे ऑर्गेनाइज करता है तो अगर आपने अभी तक सैंपलिंग स्टाइल नहीं पढ़ा है तो आपने पढ़ लेना है फर्स्ट पेपर में डेफिनेटली एक क्वेश्चन वहाँ से आता है तो नेशनल सैंपल सर्वे होता है वो क्या करता है वो पहले पूरे देश को एक यूनिट मानता है फिर उसके अंदर 29 अगर हमारे स्टेट है तो 29 स्ट्रेटा में उसको भाग बांट देगा उनतीस स्ट्रेटा बनाएगा स्ट्रेटा मतलब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग यहाँ पे यूज हो रही है उनतीस भागों में डिवाइड कर देगा उनतीस भागों में फिर एक स्टेट हर स्टेट को जैसे हिमाचल है हिमाचल में बारह डिस्ट्रिक्ट है बारह डिस्ट्रिक्ट को और आगे उसको वो आ, स्ट्रेटा में डिवाइड कर देगा और मल्टी स्टेज क्या करेगा उसमें सैंपलिंग करेगा तो इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रेटिफाइड मल्टी सैंपलिंग मल्टी स्टेज सैंपलिंग यानी मल्टी स्टेज उसके बनाएगा पहले आपका नेशनल फिर स्टेट फिर डिस्ट्रिक्ट फिर ब्लॉक इस तरीके से तो डी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द बुक पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया परफॉर्मेंस एंड डिजाइन बाय देवेश कपूर एर एन प्रताप भानु मेहता डज नो डिस्कस द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन तो अब आपको इस किताब के बारे में आपको बता दूं देवेश कपूर और प्रताप भानु मेहता की जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया ये आपके अभी जो एक यूनिट जुड़ा है इंस्टीट्यूशन इन इंडिया उससे रिलेटेड ये आपकी किताब है और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है उस यूनिट को कवर करने के लिए तो इस बुक को आप जरूर पढ़ लें इसमें अब देखो इंस्टीट्यूशन की बात हुई है तो पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन है प्रेसिडेंसी एक इंस्टीट्यूशन है लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है ये क्या है एक एडवाइजरी बॉडी है ये एक स्टाफ आप इसको बोल सकते हैं स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रकार है ठीक है तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात इसमें नहीं की है तो ट्वेंटी का करेक्ट आंसर है फोर यानी डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हु इज एसोसिएटेड विद द कॉस्मोपोलिटियन आइडिया ऑफ जस्टिस कॉस्मोपोलिटिन आइडिया ऑफ जस्टिस के साथ कौन जुड़े हैं इसके साथ जुड़े हैं मार्था नुस्बॉम मार्था नुस्बॉम इसके साथ जुड़े हैं और दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट में आपसे पूछा था हु इज रिलेटेड विद कॉस्मोपोलिटियन सिटीजनशिप कॉस्मोपोलिटन सिटीजनशिप के साथ कौन जुड़े हैं तो कॉस्मोपोलिटन सिटीजनशिप के साथ जुड़े हैं डेविड हेल्ड और कॉस्मोपोलिटन आइडिया ऑफ जस्टिस के साथ जुड़े हैं मार्था नोस बॉम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वट इज इंटीग्रल टू एथनोग्राफिक मेथड ऑफ रिसर्च बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एथनोग्राफिक मेथड ऑफ रिसर्च के साथ क्या मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एथनोग्राफिक रिसर्च होती क्या है एथनो का मतलब होता है लोग एथनो का मतलब होता है लोग ग्राफी का मतलब होता है लोगों की जो आ, आ, रहना है उनकी सिचुएशन है उसके बीच घुल मिलकर काम करना लोगों के साथ घुल मिलकर काम करना तो एथनोग्राफिक रिसर्च मेनली कहाँ होती है फॉर एग्जाम्पल आपने किसी ट्राइब को समझना है ना किसी जनजाति को समझना है तो आप बाहर से देखोगे ना तो आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा तो आपको क्या ट्राइब के बीच घुसना पड़ेगा उनके साथ उनके जैसे बिहेव करना पड़ेगा उनके साथ पूरा का पूरा ऑब्जर्व करना पड़ेगा उनको कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं तो उसे बोला जाता है एथनोग्राफिक मैथड तो एथनोग्राफिक जो मैथड है वो बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशन पर आधारित तो ट्वेंटी टू का करेक्ट आंसर है ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री और हाँ आप सोच रहे होंगे कि मुझे रिसर्च के बारे में इतनी नॉलेज कैसे हुई तो आपको भी मैं एक सजेशन दूंगा जो नेशनल लेवल के वर्कशॉप होते हैं रिसर्च मैथडोलॉजी पे मेनली सेवन टू टेन डेज के होते हैं तो मैं ये आज तक चार आ, नेशनल वर्कशॉप लगा चुका हूँ फोर्टी डेज के तो उसके अंदर ये सारी की सारी मेथडोलॉजी आपको बताई जाती है और आई के जो भी आपकी वर्कशॉप होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और आपको यहाँ तक कि आपको फेयर भी वापस मिलता है जो रिसर्च कर रहे हैं तो वो इसे ज़रूर लगाएँ ठीक है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सिक्योरिटी स्टडी इज़ एसोसिएट विद जो सिक्योरिटी स्टडी है वो किसके साथ जुड़ी है या फिर उसके साथ कौन से थिंकर जुड़े हैं सिक्योरिटी स्टडी के साथ जुड़े हैं अब ऑलेम है सिक्योरिटी भी आपने एक बार देख लेने हैं क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है ने ये बुक लिखी है who governs? तो करेक्ट आंसर इज डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विच प्रोमिनेट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट आर्ग्यूज दैट टैक्सेशन ऑफ अर्निंग फ्रॉम लेबर इज ऑन अ पार विद लेबर यानी जो कर आपके ऊपर लगाया गया है उसे बलात श्रम किसने कहा ठीक है कि कर नहीं होना चाहिए ये क्या है जबरदस्ती लगाया जाता है तो सिंपल बलात श्रम की बात करते हैं रॉबर्ट नोजिक तो ए इज करेक्ट आंसर

डिफरेंस पता होगा तो आप इजीली इसका आंसर दे पाओगे जो सिविल सोसाइटी है ये काम करती है टू एंश्योर द हायरकीज एंड अब्यूज ऑफ पावर आर चेकेबल जो आपकी सिविल सोसाइटी होती है ना वही देखती है कि सोसाइटी के अंदर जो हायरकी है वो मेंटेन की गई है या नहीं की गई है कि कहीं पावर का दुष्प्रयोग तो नहीं हुआ है अब हायरकी कैसे अब इंडियन सोसाइटी की अगर बात करें तो सिविल सोसाइटी क्या करती है अरे उसने कहीं धर्म से ऊपर काम तो नहीं किया तो वो चेक रखेगी कि जाति व्यवस्था व्यवस्था से ऊपर कोई ना जाए शबरीमाला मंदिर में ये महिला है ना घुस जाए तो वो चेक कौन रखती है वो सिविल सोसाइटी रखती है ठीक है तो आप ये समझ लो वैसे वीडियो बहुत लंबी हो रही है ज्यादा मैं इसको बढ़ाऊंगा नहीं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड इनमें से कौन सा पेयर मैच नहीं किया गया है सुंदरलाल बहुगुणा चिपको मूवमेंट से जुड़े हैं बिल्कुल सही सरदार पटेल वर्ली सत्य स्ट्रगल नारायण स्वामी नायडू ये व्यवसायगल संगम से जुड़े हैं और राम मनोहर लोहिया कोगोडू सत्याग्रह से जुड़े हैं लेकिन सरदार पटेल वर्ली सत्याग्रह से नहीं जुड़े हैं या फिर वर्ली स्ट्रगल से ये नहीं जुड़े हैं तो बी यहाँ पे इनकरेक्ट है तो बी इस करेक्ट आंसर बी यहाँ पे सही मेल नहीं है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट आईडिया ऑफ सेमीपेरिफरी इन द कॉन्टेक्स ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इज एसोसिएट विद वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसने दी है सो सिंपल वॉलरस्टीन इसके साथ जुड़े हैं तो डी इज करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको यहां पे बताना है अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविज्म साइंस इज वैल्यू फ्री प्रत्यक्षवाद के अनुसार साइंस क्या है वैल्यू फ्री है बिल्कुल सही बात पॉजिटिविस्ट यही बात करते हैं कि हमारे मूल्य कभी भी साइंस में नहीं आने चाहिए फिनोमोनोलॉजी इज बेस्ड ऑन द दैट द वर्ल्ड इज सोशली कंस्ट्रक्टेड बिल्कुल सही बात है फिनोमोलॉजी यही तो बात करते हैं कि सोशली कंस्ट्रक्टेड है ठीक है अकॉर्डिंग टू एथनोग्राफी इट इज पॉसिबल टू हैव सोशल एक्सप्लेनेशन क्वाइट लाइक नेचुरल साइंस पोस्ट मॉडर्निज्म बिलीव इन मल्टीप्लेक्सिटी ऑफ रियलिटी तो आपको समझ आ गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है अब देखो पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या बात करते हैं ये बात करते हैं कि सत्य एक प्रकार का नहीं है जो ट्रुथ है वो एक प्रकार का नहीं है फॉर एग्जाम्पल आप एक घर के सामने खड़े हैं तो आपको घर का अगला हिस्सा दिख रहा है तो आप बोलोगे कि घर का आगे क्या है शीशे लगे हैं एक साइड में खड़ा होगा वो बोलेगा यहाँ तो कोई शीशे नहीं है पीछे वाला कुछ बोलेगा इधर वाला कुछ बोलेगा तो हर आदमी सच बोल रहा है ना तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीसिटी ऑफ रियलिटी है तो ये बिल्कुल सही है सी इसका कर रॉन्ग आंसर है क्योंकि एथनोग्राफी के द्वारा कभी भी नेचुरल साइंस की तरह रिजल्ट नहीं निकाले जा सकते हैं अब एथनोग्राफी का आप स्टडी कर रहे हो आप किसी ट्राइब के ऊपर स्टडी कर रहे हो एक ट्राइबल आदमी से आपने पूछा भाई आप कैसे हो उसने उसका मूड ठीक था ठीक है आपने उसको ऐसे थप्पड़ भी मार दिया उसका मूड ठीक था तो वो ठीक बोलेगा ऑब्जर्वेशन आपने कर लिया आप ये नहीं बोल सकते कि ये ट्राइब शांत है नेचुरल साइंस की तरह तीसरी बार आपने मारा हो सकता आपको जान से मार दो तो इस तरीके का होता है कि एथनोग्राफी जो होती है ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है और ऑब्जर्वेशन हमेशा सही नहीं होती है क्योंकि ह्यूमन नेचर चेंज होता रहता है तो सी इज करेक्ट यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है ये मैच नहीं है एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल ग्रुप सॉरी कंट्रोल्ड ग्रुप रेफर टू जो कंट्रोल ग्रुप होता है वो क्या होता है अब कंट्रोल ग्रुप जैसे कि आप एक लेबोरेटरी में गए लेबोरेटरी में गए आपने क्या है बहुत सारी गैसें थी लेबोरेटरी के अंदर आपने कुछ गैसों को क्या है कंट्रोल कर दिया या फिर कुछ एलिमेंट थे उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके अंदर आपने ऑक्सीजन नहीं जाने दी उसको कंट्रोल कर दिया ठीक है ऑक्सीजन नहीं जाने देंगे दैट्स मीन वो जलेगा नहीं तो वो कंट्रोल किए ना आपने कुछ एलिमेंट बहुत सारे वेरिएबल होते हैं तो कंट्रोल ग्रुप जो हमारा होता है उसे बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोला जाता है कि आप वैसे तो बहुत सारी बहुत बड़ी सोसाइटी है उसमें से आपने क्या है सिर्फ दस से पंद्रह साल के बच्चे लिए हैं और वो कंट्रोल्ड एक रूम के अंदर है उनके ऊपर इंटरव्यू किया जा रहा है या फिर एक कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल आप हावर्थन परीक्षण ले सकते हैं हावर्थन परीक्षण वो भी क्या था एक कंट्रोल्ड ग्रुप का उदाहरण था तो बी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी विथ सर्च इंजन एक्सलू एक्सक्लूसिवली मीनड फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ कौन सा सर्च इंजन जुड़ा है तो ये साइरस है साइरस के ऊपर जितने भी है वहाँ पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ही आपको मिलेगी साइरस आप गूगल पे सर्च कीजिए ये अलग से एक सर्च इंजन है इसमें आप कुछ भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं तो सी इज़ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी टू रिसर्च पेपर इज बेस्ड ऑन सो सिंपल जो रिसर्च पेपर होता है वो बहुत प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा के ऊपर आधारित होता है तो सी इज करेक्ट आंसर इंफॉर्मेशन कॉल्ड रो डाटा प्रोसेस डाटा इनपुट डाटा ऑर्गेनाइज डाटा अब इंफॉर्मेशन को आप समझ लो डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर होता है डाटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट एंड फिगर फैक्ट मतलब बिखरे हुए हैं आप गए आपने डाटा कलेक्ट किया और क्वेश्चन के अंदर वो डाटा वो बिखरा हुआ है किसी ने ये बोला किसी ने वो बोला वो बिखरा हुआ है उसको आप कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते हैं जब आप उस डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करेंगे अच्छा फॉर uh, एग्जाम्पल आपने एक स्टूडेंट uh, है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लाई आपने टेंथ के मार्क्स लिखे और उसकी एजुकेशन लिखी कहाँ तक की है क्या है कैसे तो वो एक डाटा है उसे आप कोई भी वो नहीं लगा सकते जब आप उसको एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज तरीके से लिखेंगे कि ये लड़का ऐसा है इसमें टेंथ में, में टॉप किया इसने वो किया सो किया तो आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये इंसान काम का है तो डी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर जर्नली द फर्स्ट स्टेप फॉर इनिशिएटिंग द रिसर्च प्रोसेस इज रिसर्च प्रोसेस जो है उसका पहला स्टेप कौन सा है और कितनी बार ये नेट में पूछा गया है आप खुद देख सकते हैं से छह बार ये नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम जो आपकी प्रॉब्लम है उसकी आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले आप करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, ये, ये है उसके बाद ही आपकी रिसर्च आगे बढ़ती है तो सी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव विच वन इज करेक्ट अमंग द फॉलोइंग इसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन इंटरव्यूअर एंड रिस्पॉन्डेंट टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या कभी ये पॉसिबल है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू में आप फ्रेंडली रिलेशन बना पाए पॉसिबल है बातों से तो नहीं आप बना पाओगे आपको उसके सामने जाना पड़ेगा उसके साथ अच्छा बिहेव करना पड़ेगा तब जाके आपके फ्रेंडली बिहेवियर होंगे तो एक तो नहीं है प्रॉबिंग इंटरव्यू इन डेप्थ इंटरव्यू बिल्कुल सही जो प्रॉबिंग इंटरव्यू होता है ना वो इन डेप्थ इंटरव्यू होता है उसमें आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते हैं आप सब क्वेश्चन पूछते हैं आप जैसे कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछते हैं तो जो प्रॉबिंग इंटरव्यू होता है उसे बोला जाता है इन डेप्थ इंटरव्यू नॉन पर्सनल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन नॉन पर्सनल का मतलब है कि आप पर्सनली वहां पे नहीं जा रहे हो तो ग्रुप इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं है जो भी ग्रुप इंटरव्यू होता है वहां पे पर्सनल इंटरव्यू आप करते हैं इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद कॉमन इंटरेस्ट रेपो तो रेपो ये नहीं होता है रेपो बनाना अपनी रेपो बनाना ईमानदार नहीं करूंगा तो इसका करेक्ट आंसर है बी बी इज करेक्ट आंसर बिकॉज प्रॉबिंग इंटरव्यू होता है इन डेप्थ इंटरव्यू तो दोस्तों ये थे जे के जो अभी पॉलिटिकल स्टडीज के अंदर थर्टी फाइव क्वेश्चन पूछे गए हंड्रेड मार्क्स के थे तो आपको ये अच्छे लगे होंगे और आने वाले टाइम के लिए आप इस तरीके की स्टडी कर पाओगे और आप भी जे एन यू पहुँचोगे सो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग